नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल घर लक्ष्मी में। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ नवरात्रि के बाद कलश के जल और नारियल का जाने इस्तेमाल, घर पर बनी रहेंगी माँ की कृपा। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के दौरान कलश के ऊपर नारियल रखने का विधान है। वहीं बहुत से घरों में जहाँ कलश स्थापना नहीं होता, वहाँ भगवती की प्रतिमा या तस्वीर के पास 9 दिनों तक नारियल रखा जाता है। जब प्रश्न उठता है नवरात्रि के बाद कलश के ऊपर रखे नारियल या प्रतिमा के पास रखे नारियल का क्या करना चाहिए, कलश हटाते समय रखे ध्यान। हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है। नवरात्रि में कलश स्थापना और मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। कलश स्थापना के दौरान उसके ऊपर नारियल रखना जरूरी होता है। कलश स्थापना जितने विधि विधान से हम करते हैं, वैसे ही कलश हटाते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा नहीं करने से माँ दुर्गा रूठ सकती है और 9 दिनों में हमने जो माँ की पूजा अर्चना की है उसका कोई फल नहीं मिलता है। कलश के नारियल का ऐसे करें उपयोग। नवरात्रि के बाद कलश पर रखे नारियल को लाल कपड़े में बांधकर हम अपने पूजा घर में रख सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से साल भर माता रानी अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती है। साथ ही माता रानी हमें धन वैभव का आशीर्वाद देती है। नंबर 2, नारियल को घर के मुख्य दरवाजे पर लाल कपड़े में लपेटकर बांध सकते हैं। फिर अगली नवरात्रि के बाद पहले से बंधे नारियल को नदी में प्रवाहित कर दें और उसके स्थान पर नवरात्रि के बाद कलश से हटा नारियल को उस प्रक्रिया में बांध दें। नंबर 3, व्यापारी है तो व्यापार के स्थान पर भी उस नारियल को रख सकते हैं, इससे व्यापार में बरकत बनी रहती है। नंबर 4, नवरात्रि में पारण पर कलश हटाने के बाद नारियल का प्रसाद भी घर के सदस्यों में बांट सकते हैं या कलश के नारियल को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। कन्या पूजन में भी नारियल का प्रसाद बांटा जा सकता है। इसी के साथ जानेंगे अक्षत का क्या करें। वहीं घट स्थापना के दौरान कलश के नीचे अक्षत चावल भी रखा जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिन कलश हटाने के बाद चावल को घर के हर कोने में छिड़कना चाहिए। हिंदू धर्म में चावल सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि कलश के नीचे रखे चावल को घर में छिड़कने से कभी धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। और इसी के साथ जानेंगे कलश के जल का क्या करें। कलश हटाने के बाद उसके जल को घर में सभी जगह छिड़कना चाहिए। कलशों पर भी जल छिड़कना चाहिए। यदि व्यापारी है तो व्यापार स्थान पर भी उस जल का छिड़काव करें। किसान है तो खेत में उसके जल का छिड़काव करें, इससे सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसके अलावा हमें नवरात्रि समाप्त होने के बाद पूजा पाठ की सामग्री को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता और पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।